हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में बता रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रियल नंबर में सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ लिखा है कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर सच डैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड एक गणितज्ञ हैं जिनकी चर्चा हमने क्लास नाइन्थ में यूक्लिड ज्योमेट्री में भी की है। यूक्लिड ज्योमेट्री में आप बहुत से बेसिक टर्म्स जैसे एक्जियोम, कोरोलरी, थ्योरम्स, स्टेटमेंट्स आदि कई बेसिक टर्म्स और इम्पॉर्टेंट टर्म्स मिले थे जिसकी चर्चा हमने की थी। आज उन्हीं यूक्लिड के एक डिवीजन लेमा जिसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। यूक्लिड्स ने इन डिवीजन लेमा के संदर्भ में कहा है कि जब कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ हो, सपोज दैट वो इंटीजर्स ए और बी ही हो, तो उसके लिए कोई और उसके साथ यूनिक होल नंबर यदि एग्जिस्ट करता है जो यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का रिलेशन होता है जिसमें जीरो ये आर से छोटा और बराबर होना चाहिए और ये R B से छोटा होना चाहिए। यानी हम ऐसा पहले से भी करते आ रहे हैं कि जब हमें दो पॉजिटिव नंबर्स का डिवीजन करना होता है तो सबसे पहले हम उसके लिए ऐसे ही A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स को लेते हैं जिसके लिए कोसेंट Q और रिमाइंडर R होता है। हम पहले से भी कहते आ रहे हैं कि जब भी किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिवीजन होता है तो रिमाइंडर जीरो के इक्वल भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जीरो लेस देन R, इसका मतलब ये है कि R जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि बी से कम ही होना चाहिए, रिमाइंडर इस बी से कम होना चाहिए। अब बात आती है कि यदि हम 12 में 4 से डिवाइड करते हैं, इस रूल के अनुसार 12 में यदि 4 से डिवाइड किए तो 12 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, 4 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। डिवाइड करने के बाद कोशेंट 4 3 12 आता है तो हम ऐसा कहते हैं कि कोशेंट 3 है लेकिन रिमाइंडर क्या है, जीरो है। वहीं 13 में 4 से डिवाइड करके देखा जाए तो कोशेंट 3 और रिमाइंडर 1 आता है। 14 में यदि 4 से डिवाइड किया जाए तो कोशेंट 3 रिमाइंडर 2 आया। 15 में 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, कोशेंट भी 3 है। तो इस प्रकार हम देखें कि जब 4 से डिवाइड किया जा रहा है कोई पॉजिटिव नंबर 12 में तो रिमाइंडर 0 आया, 13 में किया गया तो रिमाइंडर 1, 14 में किया गया तो रिमाइंडर 2, 15 में किया गया तो रिमाइंडर 3। इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। जैसे ही
वो इक्वल हो जाएगा, तो उस स्थिति में हम ऐसा देखेंगे कि वो अगले से यानी वहीं पे 16 हो जाता। तो हम जान रहे हैं कि 16 में यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर कोशेंट क्या हो जाएगा, 4 होगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए, डिवीजर से रिमाइंडर छोटा होना चाहिए। अब यहाँ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में a को हम डिवाइडेंट कहते हैं, b को डिवाइजर कहते हैं, q को कोशेंट कहते हैं और r को रिमाइंडर कहते हैं। तो ऐसा डिवीजन में ऐसा एक रूल भी है कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम इसी यूक्लिड्स के द्वारा बताए गए एक एल्गोरिथम की चर्चा करते हैं। सबसे पहले यह एल्गोरिथम होता क्या है इसकी चर्चा हम कर लेते हैं, फिर आगे हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की भी चर्चा करनी है। तो एल्गोरिथम के बारे में हमने लिखा है कि एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए मेथड फॉर सॉल्विंग ए सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी एल्गोरिथम क्या है, तो एल्गोरिथम के बारे में हमने लिखा है कि एक सीरीज है जो जिसमें कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। जैसे अब बात हुई कि सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स की, तो सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में यदि हम दो नंबर के एचसीएफ की बात करते हैं, तो दो नंबर का जब एचसीएफ होता है तो आप देखे होइएगा कि सबसे पहले जो डिवाइडेंट के जगह पे हम डिवाइडेंट लिखे, डिवाइजर के जगह पे डिवाइजर, कोशेंट के जगह पर कोशेंट लिखते हैं, फिर उसका कुछ रिमाइंडर आता है। यदि रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तो फिर क्या, यहाँ का ये डिवाइजर जो है वो इसका डिवाइडेंट बन गया और ये रिमाइंडर अब डिवाइजर बन करके फिर उस काम को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। यह काम तब तक होता है जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो काम हम कर रहे हैं रिमाइंडर जिसमें जीरो लाने के लिए, वह एक सीरीज में हो रहा है और वेल डिफाइंड है कि निश्चित रूप से उसमें रिमाइंडर अंततः जीरो आना आएगा ही। इस प्रकार हम आगे उसे बढ़ाते जाते हैं और ऐसा भी कह सकते हैं कि इससे जो काम होता है वो सॉल्विंग का, वो सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व किया जा सकता है। तो हम अब आगे बात करते हैं, फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर्स बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के सहायता से कुछ नंबर्स दिए गए होंगे जिसका हमें एचसीएफ निकालना है, जिसकी चर्चा हम आगे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक टेक्निक है, इट इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर से ए एंड बी। पहले भी हमने चर्चा की है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी के रूप में हैं, तो यहाँ ये बात ध्यान रखना भी पड़ेगा कि आपको लिखा हुआ रहेगा सपोज दैट 135 है और 225 है, तो 225 एंड 135 भी लिखा हुआ मिलेगा और 135 एंड 225 भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि उसमें जो ए होगा यानी डिवाइडेंड जो होगा सो ग्रेटर होना चाहिए किससे, डिवाइजर से, यानी ए ग्रेटर देन बी। और इस काम को हम कुछ स्टेप्स में पूरा करते हैं, एचसीएफ वाले काम को हम कुछ स्टेप्स में पूरा करते हैं, इस व्यू से करते हैं कि उसमें लास्ट में कहीं ना कहीं उसका रिमाइंडर जीरो आना ही चाहिए। अभी के इस वीडियो में हम इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको इसी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जो स्टेप्स नीचे लिखे गए हैं उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। अभी के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।